हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म किचनी। मैं हूं रूना आशीष और बस आपके सामने आ गई हूं गाने का रिव्यू लेने लेके हमारी तुम्हारी इस गाने का। इसको मैं एडिट में आपको दिखा ही रही हूं। बेसिकली ये जो सॉन्ग है, ये फिल्म है जान अभी बाकी है, इसकी तरफ से आया हुआ है, सोनी पर आया हुआ है, सोनी म्यूजिक पर रिलीज किया गया ये सॉन्ग है। अरुणिता और राज बर्मन के इस गाने ने देखिए तो एक साथ 1 मिलियन का आंकड़ा 5 दिनों के अंदर अंदर पूरा भी कर लिया है। अभी तो आंकड़े और बढ़ना बाकी हैं, यानी जान अभी बाकी है का परफेक्ट 2, 3, 4, 5 मिलियन होना भी बाकी है। जितना कि नंबर्स आपका दिल खुश करके जाता है, उतना ही गाना भी आपका दिल खुश करके जाता है। रिव्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्रेंड्स, ये गाना अगर 4:43 का है तो कुछ 3 मिनट के आसपास अरुणिता की आवाज शुरू होती है और आपको रुक कर सुन लेने की इच्छा हो जाती है। अरुणिता की आवाज में बहुत सादगी, बहुत स्वीटनेस है। मैं सच बोलती हूँ, मैं जब भी रिव्यू करती हूँ अरुणिता के लिए, मुझे ऐसा लगता है मैं नया क्या बोलूँ। हर बार तो बताती हूँ बहुत स्वीट है, हर बार तो बोलती हूँ कितनी परफेक्ट है, हर बार तो बोलती हूँ कि इसकी आवाज की जो स्वीटनेस है वो आपके दिल तक उतर जाती है, या फिर जो इसका भोलापन है वो उसकी आवाज के थ्रू आपके कानों में पड़ता है और आपके दिल पर छप जाता है। मतलब मैं क्या नया बोलूँ अब अरुणिता के लिए। आज के समय की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, सजी हुई, सजी धजी और डेप्थ में जाकर संगीत की समझ रखने वाली आवाज है अरुणिता की आवाज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अरुणिता कोई गाना गा रही है और बिल्कुल हाफ हार्टेडली गाए, हो ही नहीं सकता है। हर गाने में, हर शब्द में उनका दिल उतार कर रख देती है। वो उस तरीके का कमिटमेंट संगीत के लिए उनका दिखता है, और वो भी इस समय से, शुरुआती दौर पर से ही। जब वो धीरे 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 आगे बढ़ेंगी, एक के बाद एक फिल्मों में गाना गाएंगी, और श्रेया घोषाल आज जिस लेवल पे पहुंच रही है, मैं तो डेफिनेटली चाहूंगी कि अरुणिता उस लेवल पर पहुंचे। वो जो मेच्योरिटी, वो जो स्वीटनेस आती है, कमाल की है। अभी से इतना है तो तब क्या करेगी, मैं तो ये सोच के खुश हो जाती हूँ और सोचने में पड़ जाती हूँ कि अरे बाप रे, क्या करने वाली है ये लड़की। इस गाने की मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, हमारी तुम्हारी बहुत सिंपल से, एकदम ऐसा लगता है कॉलेज में आने जाने वाले लड़का लड़की की प्रेम कहानी है। शुरू भी वैसे ही किया गया है, लेकिन इसकी जो गाने की मिठास है वो 90s की झलक देकर जाती है आपको। 90s में जो सिंपलिसिटी भी थी, थोड़ा सा तड़कीला भड़कीला भी था, थोड़ा सा नई आवाजों का नया मेल था, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने पदार्पण किया था, नए लिरिसिस्ट्स ने पदार्पण किया था, तो गाने का स्टाइल एकदम से चेंज हुआ था, लेकिन मिठास तभी बरकरार थी। ये गाना मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर आपने खाकी नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें कि ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, अच्छी मल्टी स्टारर फिल्म थी, और उसमें एक गाना था, म्यूजिक राम सरकार जी का था, म्यूजिक उन्होंने ओवरऑल दिया हुआ इस फिल्म का, और गाना था वादा रहा प्यार से प्यार का। ये वाला गाना सुनकर मुझे उस गाने की मिठास की याद आ जाती है। उसमें श्रेया घोषाल है, इसमें अरुणिता है। भगवान करे अरुणिता ऐश्वर्या के लिए भी गाना गा दे एक दिन, क्रॉसिंग द फिंगर्स। लेकिन आपको उस गाने की याद आती है, उस गाने में स्वीटनेस थी, उस गाने में बहुत सिंपलिसिटी थी, और श्रेया की आवाज में खैर है वो खिंचाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि वही कुछ आपको महसूस होता है इस गाने के साथ भी। ये बेहद ही खूबसूरत गाना है जो कि लोनावला खंडाला इस एरिया में शूट किया गया था। इसके सिंगर अर्णव चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल हैं, और जो लिखा है वो समीर जी ने लिखा है। इसी गाने को सुन के मुझे एक और फिल्म पुलिस पब्लिक के गाने मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, इस गाने की भी याद आई, जिसे लता मंगेशकर और अमित कुमार ने गाया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण रहे हैं और लिखा है असद भोपाली जी ने। वैसे इस गाने को मैंने मेहदी हसन साहब के जुबानी भी गजल के तौर पर सुना हुआ है, और वो भी उतना ही खूबसूरत लगा है मुझको। अक्सर होता यह है कि जितने भी गाने होते हैं वो किसी एक विशिष्ट राग को चुनकर बनाए जाते हैं। ऐसे में उसी राग से जुड़े हुए जितने गीत हैं, कई बार वो आपस में एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं हैं। यही हमारे शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा और विविधता है। और गाना महेश मतकर का है। मुझे लगता है 90s से ये बहुत प्रेरित हुए होंगे, क्योंकि वो झलक आ जाती है उनके गाने में, उनके म्यूजिक क्रिएशन में। अच्छा है, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना कंफर्ट जोन होता है, एक फेवरेट जोन भी होता है, तो हो सकता है इनका फेवरेट जोन जो है, जो एरा है, वो 90s का है। वो सुन के मजा आता है। मतलब आप गाना जब पूरा हो जाता है ना, आपको लगता है हाँ यार, कुछ
कुछ अच्छा सुन के उठी हूं मैं, कुछ दिल को लुभाने वाला सुनकर उठी हूं मैं, मजा आता है। हाँ एक यही है अरुणिता, थोड़ा सा और गा लेती यार उसको सुनने से मन भरता नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि दो तीन और स्टैंजा, दो तीन और अंतरे होते तो कितना मजा आता बट चलिए ठीक है, अपना लालच अपने काबू में रखना चाहिए। अरुणिता बहुत सुंदर गाना है, बहुत प्यारा गाना है, और आपके लिए जो कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग आप पर खूब दिल लुटाते हैं क्योंकि आप इस लायक हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़िए, बहुत सारे गाने अभी और गाने हैं, हर हर तरीके के गाने गाने हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल, ब्यूटिफुल सॉन्ग, जय हिंद।